चलिए बात बलरामपुर की कर लेते हैं, जहां NH 24/7 की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल नक्सल प्रभावित गांव कुंदाग में सड़क निर्माण शुरू हुआ था और भूताही मोड़ तक सड़क बनने के बाद रुक गई थी। गांव मजदूरों की लंबित थी, मजदूरी का ठेकेदार ने नहीं भुगतान किया था और उसके बाद ये काम रुक गया था। NH 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद हरकत में आए अधिकारी और सड़क का काम फिर से शुरू हुआ। इधर झीरम मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा झीरम मामले में कुछ न कुछ छुपा रही है, वरना हमारे मांगने पर NIA की जांच रिपोर्ट हमें क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि NIA ने हमले के बाद जिंदा बचे लोगों का बयान नहीं लिया, जांच रिपोर्ट मांगने पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले गए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि तेलंगाना में पकड़े गए नक्सलियों से आखिर NIA ने क्यों पूछताछ नहीं की। जज का ट्रांसफर करा दिया गया है, उसके घर में बम फेंका गया। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती है और छुपाना चाहती है, उटपटांग बयान दे रहे हैं और निर्लज लोग हैं, शर्म भी नहीं आती है। इतने लोगों की जान चली गई, इन लोगों को राजनीति सूझ रही है। ये नहीं होते हैं, ये नहीं है जो वहाँ जितने लोग थे जो जीवित बच के आ गए, आज तक के उनसे पूछताछ तक नहीं की, उसके बयान तक नहीं लिया, उस इन्हीं से बात करेंगे, उसे क्या उम्मीद करते हैं आप। ये नहीं है हमने कहा कि आप जांच पूरा कर दिए तो उसको हमको वापस दे दो, तो राज्य सरकार ने किया तो हाई कोर्ट चल दे, सुप्रीम कोर्ट चलेगा, तो वो खुद जांच नहीं कर रही है और दूसरा जांच करने दे नहीं रहे हैं और तथ्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इतना डर क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? यदि NIA ने जांच कर ली, कुछ नहीं पाया, तो वो जांच की कॉपी हमको दे दे, मतलब जांच हमको वापस कर दे। राज्य सरकार ने SIT गठन किया, क्यों गए फिर हाई कोर्ट? जांच होने देते, दोनों जांच कर लेते, भाई आयोग ने जांच की ना। दर बजरंग दल को बैन किए जाने के मुद्दे पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कर्नाटक में एक बहुत बड़ी संख्या है जो बजरंग बली को मानती है, हिंदू मेथोलॉजी को मानने वालों की संख्या भी ज्यादा है, अगर बैन किया जाता है तो शांत कर्नाटक को अशांत कर्नाटक बनाने में इन्हीं का हाथ होगा। अगर कर्नाटक में अशांति होगी तो इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की ही जिम्मेदारी होगी। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को लेकर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि हमने छत्तीसगढ़ में सरकार से कहा है कि आप में दम है तो बैन करके दिखाओ, इसका परिणाम आपको ही चुनाव में दिख जाएगा। इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वो बजरंग दल को बैन करेंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उन्होंने ये वादा किया था और उनको भी मालूम है कि कर्नाटक में एक बहुत बड़ी संख्या है जो संख्या बजरंग बली को मानती है, जो संख्या हिंदू मेथोलॉजी को मानती है, और अगर बजरंग दल को बैन करते हैं तो आने वाले समय पर जो शांत कर्नाटक है उस कर्नाटक को अशांति करने का अगर कोई निर्णय करेंगी तो वो कांग्रेस पार्टी करेगी और उसको इसको भुगतना पड़ेगा। रायगढ़ में 1 जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें स्थानीय कलाकारों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के भी कलाकार शिरकत करेंगे। रामायण महोत्सव में विशेष रूप से अरण्यकांड पर केंद्रित रामायण गाथा को सुनाया जाएगा और महोत्सव में विदेशी कलाकारों द्वारा भी रामगाथा का मंचन किया जाएगा। एक अहम बात यह भी है कि 5,000 से ज्यादा लोग एक साथ केलो नदी की महाआरती भी करेंगे। आयोजन के लिए रायगढ़ के रामलीला मैदान में 60,000 वर्ग फीट का पंडाल तैयार किया जा रहा है। महोत्सव में 1 जून को इंडियन आइडल फेम शम्मुख प्रिया और सारेगामा फेम शरद शर्मा शिरकत करेंगे, तो वहीं 2 जून को मशहूर गायक बाबा हंसराज रघुवंशी और लखवीर सिंह लखा की संगीतमय प्रस्तुतियां होंगी। 3 जून को लोकप्रिय भजन गायिका मैथिली ठाकुर और देश के मशहूर कवि कुमार विश्वास की प्रस्तुति खास होगी। सीएम भूपेश बघेल और उनका मंत्रिमंडल भी कार्यक्रम में शामिल होगा। रायगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हो रहा है, ये बड़े गर्व की बात है और रायगढ़ जिले वासियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि इसमें पूरे देश के लगभग 9 से 10 प्रदेश के रामायण मंचन करने वाले लोग आएंगे। अरण्यकांड का
वाचन करेंगे, और इसके अलावा विदेशों से भी जहाँ रामायण की ख्याति है उसको लेकर वहाँ से भी रामायण का मंचन करने आएंगे। ये दो पार्ट में हो रहा है। निश्चित तौर पर ये रामलीला मैदान में जो हो रहा है कार्यक्रम, ये एसी पंडाल बना हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें दो दिन शिरकत करेंगे। चले बात कवर्धा की कर लेते हैं, जहां कवर्धा के कुंडा में मंगलवार को जोगी कांग्रेस ने तीन सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन कर तहसील कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। प्रदर्शन में शामिल हुई ऋचा जोगी ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए एक महीने के अंदर कुंडा में कॉलेज समेत सभी मांगों को पूरा करने की बात कही गई है। वहीं मांग पूरा नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। सबसे पहली मांग है कि यहाँ पर कुंडा में कॉलेज नहीं है विद्यार्थियों के लिए, तो उसका उसकी एक मांग है। दूसरी मांग है कि शक्कर कारखाना नहीं है, और तीसरी मांग है जो खस्ता रोड है उनका उनको बनाना। पिछले 15 साल में भी और इस 4.5 साल में भी कुंडा क्षेत्र को हमेशा ठगा गया है। कुंडा क्षेत्र ने, दावापुर, मोहगांव, कोलेगांव क्षेत्र ने हमेशा यहाँ पे दोनों पार्टी को स्थान दिया, दोनों पार्टी के विधायक बना के भेजा गया, लेकिन सिर्फ ठगा गया है। कॉलेज खोलने की बात होती है, यहाँ पे शक्कर कारखाना खोलने की बात होती है, लेकिन खुला नहीं आता। हमारी ये मांग है कि तत्काल यहाँ पे कॉलेज खोला जाए। जनता के द्वारा यहाँ ज्ञापन जो दिया गया कुंडा में स्थित कॉलेज प्रारंभ करने एवं शक्कर कारखाना खोलने संबंधी ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के आईपीएस रतनलाल डांगी ने यूथ के बीच मशहूर टॉक शो टेडएक्स में हिस्सा लिया है। हाल ही में ये कार्यक्रम पुणे स्थित प्रतिष्ठित स्थान MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें साझा करते हुए डांगी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते में भी इंतजार करते हैं। यह टॉक शो फ्लिप द स्विप थीम पर आयोजित है। यहाँ आए देश भर के एक्सपर्ट ने अपने जीवन के चेंजिंग मोमेंट्स के बारे में बताया। इन 7 हस्तियों में डांगी के अलावा UPSC गुरु के तौर पर मशहूर एक्सपर्ट विजेंद्र सिंह चौहान, प्रतिष्ठा हरितवाल, डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र गुप्ता, मूवी आर्टिस्ट आशीष चौधरी, कॉमर्स बाबा, यूट्यूबर यश लाहौटी, फाउंडर वुमेन्स पिक जोन मलिक और गिलानी वी यूनाइटेड के को फाउंडर ने यूथ से बातचीत की। बिलासपुर पुलिस ने चोरी के मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। FIR में बताई गई थी हजारों की चोरी, लेकिन चोर पकड़े गए तो पुलिस के हाथ लगे 41 लाख रुपए। दरअसल दिनदहाड़े सुने मकान में रविवार को हुई चोरी में 20,000 रुपए और ज्वेलरी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने वारदात में शामिल एक महिला और 6 युवक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। चोरी का खुलासा करने के साथ ही अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी हुई है आखिरकार बरामद 41 लाख रुपए किसके हैं। पुलिस के मुताबिक मामला सिविल लाइन क्षेत्र के अभिषेक नगर Phase 1 में रहने वाली सरोजनी साहू के घर बताया जा रहा है। बताया जाता है कि लाखों मिलने पर पुलिस पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि पुलिस सिर्फ चोरी हुए सामान की ही रिकवरी करे और शेष को नजरअंदाज करे, लेकिन पुलिस गंभीरता बरत रही है। कुछ दिन पहले चोरी का सामने आया था, जिसमें अभिषेक नगर में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वो कहीं बाहर गई थी तो उसके घर से बाहर जाते ही घर में 3 लोग घुसे और कुछ ज्वेलरी और 20,000 रुपये लूट छीन के लेके चोरी करके लेके चले गए। इसमें मामला दर्ज किया गया। चोरों को फुटेज के आधार पे और इंट के आधार पे जब पकड़ा गया तो उनके पास से एक बड़ी रकम बरामद हुई। सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ और रकम है, तो लगभग 41,20,000 रुपये की जब्ती इसमें की गई है। इधर अंबिकापुर में पखवाड़े भर पूर्व एक होटल में शादी हो रही थी। इस दौरान मेहमानों द्वारा लिफाफे में उपहार स्वरूप कैश दिए गए थे। लिफाफे एक बैग में रखे गए थे। किसी ने रुपयों से भरा बैग पार कर लिया।
मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अमेठी से नाबालिग समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से नगद 29,000 व चोरी में प्रयुक्त कार बरामद कर सोमवार को उन्हें जेल भेज दिया है। मामले में पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे की जाँच की तो संदिग्ध अवस्था में दो लड़के बैग उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। वहीं एक स्विफ्ट कार भी संदिग्ध हालत में वहां से जाती हुई दिखाई दी। एक विशेष टीम उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हुई, जहां आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और वहां से उन आरोपियों को पकड़कर यहां लाया गया, जिसमें से कुल चार आरोपी थे, जिसमें एक जो है विधि से संघर्षरत बालक था। और ये अमूमन इस प्रकार की जो घटना को अंजाम देते थे, किसी भी शादी समारोह में जाते थे और चुपचाप उक्त जो विधि से संघर्षरत बालक हैं उसका उपयोग इस प्रकार से उठाईगिरी में ये आरोपीगण करते थे। छत्तीसगढ़ में गोठान को लेकर सियासी घमासान जारी है। भाजपा गोठान का जायजा लेने चलबो गोठान खेलबो पोल अभियान भी चला रही है, जिसके तहत सांसद विजय बघेल ने दुर्ग जिले के गोठान का दौरा किया। सांसद ने जिले के कुम्हारी और जाम गांव और बलौदी गांव के गोठान पहुंचकर वहां के हालात की जानकारी ली। इस दौरान सांसद बघेल ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि राज्य में गोठान के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, गोठान में पूरी तरह से केवल और केवल अव्यवस्था नजर आ रही है, आखिर केंद्र का पैसा जा कहां रहा है। और सुनियोजित ढंग से पैसे की बर्बादी, पैसे का भ्रष्टाचार, ये गोठान ये जो उनका प्रोग्राम है उसके तहत किया गया, करोड़ों अरबों की पूरे छत्तीसगढ़ में अगर देखे तो यही स्थिति। अगर उनके ड्रीम पहला उनका किया हुआ जो काम है वो है उद्घाटित किया हुआ, जहाँ से शुरुआत की उनके गांव में हालत है, तो पूरे छत्तीसगढ़ में आप कल्पना करें। दस सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त की राशि मिलने से बरम किला अंचल के किसानों में खुशी का माहौल है। किसान न्याय योजना की राशि निकालने को लेकर बैंकों में किसान की भीड़ देखी जा रही है। इधर बलरामपुर जिले में भी INS 24/7 की खबर का असर देखने को मिला। जिले के नक्सल प्रभावित बंदरचुआ पुंदान मार्ग में बन रही उम्मीदों की सड़क का काम बीच में ही रोक दिया गया था और इसमें मजदूरी करने वाले मजदूरों का भुगतान भी पेंडिंग था, लेकिन अब खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सड़क का काम फिर से शुरू कर दिया है, साथ ही मजदूरों को मजदूरी का भुगतान भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुंदाग जो घो नक्सल प्रभावित इलाका पहले माना जाता था, उस गांव को कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए यहां सड़क बनाने की प्लानिंग पहली बार की गई है, लेकिन टेक्निकल समस्या की वजह से काम बीच में ही रुक गया, लेकिन अब काम फिर से शुरू हो गया है। कुंदाग सड़क का काम कुछ दिनों से बंद था, उसे पुनः चालू करा दिया गया है और मल्टीपल फ्रंट में अलग अलग टीम लगाए गए हैं ताकि बरसात के वक्त में उस गाँव से संपर्क ना कटे। पुल पुलिया और सीसी रोड घाट जहाँ पे स्टीप है वहाँ पे सीसी के काम और पुल पुलिया काम में तेजी लाई जा रही है ताकि बरसात के वक्त हमें असहज स्थिति का सामना करना ना पड़े। 2000 नोट बदलने की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो चुकी है, लेकिन रुपए बदलने के बहाने उठाईगिरी के मामलों में भी अब तेजी आ रही है। ताजा मामला रायगढ़ के भगवानपुर का बताया जा रहा है। एक किसान से बैंक में 3 लाख की उठाईगिरी हो गई है। किसान पालू राम से एक युवक ने 2000 के नोट के बदले 500 के रुपए के नोट देने का झांसा किया और रुपए लेकर फरार हो गया। किसान को जब ठगे जाने का एहसास हुआ तो उसने बैंक प्रबंधन और फिर पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की। कोतवाली पुलिस बैंक के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। और करा लेते हैं नकदी 500 के नोट ले ले बदली में, तो मैं ठीक है, मैं कहें हाथ के हाथ हो जाही, मैं कहें मतलब बैंक बार बार आना जाना नहीं पड़े, मैं कहें कहा अपन जेब ले वो चार बंडल 500 के नोट निकाली, अब गणेश नहीं बंडल दिखाई, ये हर 2 लाख है, बाहर में मोर एक आदमी खड़े है, मैं ओकर ठेले 1 लाख रुपया लेके आता हूँ और तोला पैसा दे दी हूँ। उसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति आया कि मेरे पास है ऑलरेडी
500 का नोट आप एक्सचेंज मत करिए, इसको आप रख लीजिए और मुझे अपना दे दीजिए करके उसको 2 लाख रुपये दिखाया और फिर बोला 1 लाख मेरे पास कम है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं पूरे पैसे लेके आता हूँ और आपको दे दूँ करके उसका भी पैसा रख लिया और अपना जो स्वयं का पैसा रखा था वो भी रख लिया और वो फिर पैसा लेकर फरार हो गया। चलिए बात कर लेते हैं विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। सरकारी स्कूलों की चर्चा होते ही लोगों के दिमाग में टूटी हुई फर्श, गिरती हुई दीवारें या पुराने भवन का ख्याल आता है। सरकारी स्कूलों के नाम से लोगों के मन में जो छवि बनती है उससे बिल्कुल उलट छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूल ने एक अलग पहचान बनाई है। वो भी सरकार की स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना पूरे देश में मील का पत्थर साबित हुई है। देखिए रिपोर्ट। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की एक श्रृंखला है। स्कूल पूरी तरह से स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जहां कक्षा 8 तक शिक्षा निशुल्क है। उसके बाद कक्षा 12 तक नाम मात्र की फीस देनी होती है, जिसके चलते बस्तर में गरीब बच्चों को इसका भरपूर लाभ मिल पा रहा है। इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि सरकार की इस योजना से बच्चों का भविष्य निखर रहा है। वहीं पालकों ने भी सरकार को धन्यवाद दिया है। ये एक बहुत अच्छी पहल थी जो आत्मानंद स्कूल खोला है सरकार ने, उसमें पढ़ाई का स्तर निश्चित ही बढ़ा है और इस वर्ष जो वार्षिक परिणाम आया है वह भी यह दर्शाता है कि जब से आत्मानंद स्कूल खुला है तब से बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है और उत्साहित होकर के लोग पढ़ रहे हैं। और यह सबसे बड़ी बात है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले हैं आत्मानंद के, जो अभिभावक निजी स्कूलों में अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा नहीं दे पा रहे थे, वे भी अब अपने बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दे रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। आत्मानंद स्कूल खुलने के बाद हम बच्चों को बहुत ही सुविधा मिल रहा है, क्योंकि पहले जो के वक्त था तब लोग अंग्रेजी अच्छे से नहीं बोल पाते थे बच्चे लोग, जबकि अभी आत्मानंद स्कूल खुलने के बाद बच्चे को अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छा लगता है और बोलते हैं लोगों के बीच जाके, जिससे बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, पहले जो हिंदी के माध्यम से पढ़ते थे और वो हिंदी में सबसे बात करते थे, जबकि अभी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने के पश्चात वो अभी अंग्रेजी में भी लोगों से वार्तालाप करते हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि ये योजना केवल रायपुर जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में भी इस योजना का प्रसार हो। इन स्कूलों में सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है। यही नहीं, आत्मानंद स्कूल में सुंदर खेल परिसर भी है, आधुनिक सुविधाओं से लैस प्रैक्टिकल लैब भी है। बस्तर जैसे पिछड़े अंचल में हमारे जिले में मतलब जो आत्मानंद स्कूलों की संख्या है वो सबसे अधिक है। हिंदी मीडियम के 44 स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं, जिनमें की लैब लाइब्रेरी वगैरह आदि की सुविधा भी प्रदान कर दी गई है, आगे और भी विकास किया जाएगा। और इसके साथ ही 18 स्कूल इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनमें की इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाई होगी। तो कहने का मतलब कि आशय यह है कि अंदर दूरस्थ गाँव में बसे हुए बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिल सके और इसके साथ ही समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। आत्मानंद स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में गजब का आत्मविश्वास भी देखने को मिल रहा है। अच्छे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का सपना अब आम आदमी के लिए सपना नहीं रहा, अब यह हकीकत बन गया है, जिसका श्रेय भूपेश सरकार को जाता है। INH न्यूज़ ब्यूरो।